हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल ममास किचन में। आज मैं हम सबका मनपसंद गोलगप्पा पुचका यानी कि पानीपुरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। पानीपुरी हम सबकी बहुत ही मनपसंद डिश है और हम लोग बाज़ार से ही लाते हैं, कभी उसको घर पे नहीं ट्राई करते। तो आज मैं आप सबके लिए गोलगप्पे का ऐसा एक सटीक तरीका लाई हूँ, और इस तरीके से आप गोलगप्पे बनाओगे तो आप आधे घंटे में 100 से ज़्यादा गोलगप्पा आसानी से बना सकते हो, और वो भी इतने करारे और क्रिस्पी और बाज़ार से बहुत ज़्यादा हेल्दी भी। तो आप खुद ही देख सकते हो मेरे गोलगप्पे कितने फूले फूले हैं और उसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। आप खुद ही सुन लीजिए ये गोलगप्पे की आवाज़। अब मैं इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो है ना एकदम क्रिस्पी गोलगप्पा। तो चलिए, गोलगप्पा बनाने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये गोलगप्पा बनाने के लिए मैंने 2 कप सूजी ली है। ये यहाँ पे मैंने मोटी वाली सूजी ली है, मगर यहाँ पे जो बारीक वाली सूजी आती है वही यूज़ करनी है। अभी लॉकडाउन चालू है तो मेरे पास ये मोटी वाली सूजी है, मगर उसको मैं बारीक वाली सूजी बनाऊंगी। मोटी वाली सूजी को मिक्सर के जार में लेके उसको 1 से 2 बार चला के उसको बारीक सूजी का जैसे टेक्स्चर देंगे। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी है घर पे तो वो परफेक्ट है ये पानीपुरी बनाने के लिए, उसको पीसने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ही उससे आटा तैयार कीजिए और पानीपुरी बनाइए। ये देखिए, ज़्यादा आटा जैसा नहीं करना है, सिर्फ बारीक ही करना है उसको। अब उसको एक मिक्सिंग बाउल में ले लेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही सामग्री से हमारी ये पूरी बनेगी, सिर्फ रवे से ही मैं ये पूरी बनाऊँगी। मैंने बहुत सारी रेसिपी ट्राई की मगर ये रेसिपी जो है वो बहुत ही परफेक्ट है। यहाँ पे मैंने 2 कप रवा लिया है और 1 कप पानी लिया है। पानी हमें एक साथ में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी हम लोग डालेंगे ताकि हमारा जो आटा है वो परफेक्ट हो। सूजी जो है वो पानी बहुत ज़्यादा सोक कर लेती है, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। जब तक कि हमारा आटा एकदम परफेक्ट सॉफ्ट और नरम ना हो जाए तब तक हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और उसका आटा तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो सूजी का या रवा का आटा है वो अभी भी सूखा है, तो उसमें और हम लोग पानी मिलाएंगे। यहाँ पे मेजरमेंट के हिसाब से मैंने 2 कप सूजी ली थी और 1 कप पानी लिया था। मैं ये भी दिखाऊंगी कि कितना पानी यहाँ पे यूज़ हुआ है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे आटा तैयार हो चुका है, मगर फिर भी मुझे थोड़ा और उसको सॉफ्ट करना है। मुझे थोड़ा और टाइट लग रहा है क्योंकि सूजी जो है वो पानी सोक कर लेती है। यहाँ पे आटा जो है हमें सॉफ्ट और एकदम नरम तैयार करना है। मुझे थोड़ा और ये थोड़ा कड़क लग रहा है तो मैं थोड़ा पानी ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून जितना ही मुझे पानी ऐड करना है, मैं इतना ही पानी ऐड कर रही हूँ, और उसको 1 से 2 मिनट तक उसको वापस गून कर उसको सॉफ्ट कर लूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 कप सूजी ली है, तो 2 कप सूजी के आटे से हम लोग कम से कम 90 से 100 पूरी बना सकते हैं। अब हमारा आटा जो है वो परफेक्ट तैयार है। आप देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट है, आपको नज़दीक से भी दिखा सकती हूँ। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट आटा तैयार हो चुका है। तो अब उसमें पानी कितना गया है वो भी दिखाती हूँ। मैंने 1 कप लिया था, 1 कप में से 2 टेबलस्पून जितना पानी बच गया है। अब 1 टीस्पून जितना ऑयल लेंगे और आटे को सिर्फ 1 से 2 मिनट तक गूंद लेंगे और उसको अच्छे से चिकना कर लेंगे। अब यहाँ पे आटे को रेस्ट नहीं देना है, हम तुरंत ही उसकी पानी पूरी बनाएंगे। कई ऐसी रेसिपियाँ मैंने देखी है कि आटे को एक बार तैयार करके उसको आधा घंटा रेस्ट करना है, फिर उसकी पूरियाँ बेल के उसको 10-15 मिनट रेस्ट देना है, मगर यहाँ पे सिर्फ आटा तैयार करें, उसकी लुइया तैयार करें, उसको बेले और उसको सीधा तलना है। अब आप छोटी छोटी लुइया बनाने के लिए थोड़ा सा पोर्शन आटे में से ले और उसका रोल बनाएं और उसकी इक्वल साइज़ की लोइया तैयार करें। आप चाहे तो
चप्पू से भी आप उसको काट के छोटी छोटी लुइयां बना सकते हैं, या मैं हाथ से ही कर रही हूँ। ये लुए की साइज़ एक ही साइज़ की रखें, छोटी बड़ी मिक्स साइज़ में ना करें, नहीं तो आपकी पूरियां जो है वो छोटी बड़ी साइज़ की बनेगी। अब हमारा आटा जो है वो परफेक्ट है कि नहीं, ये लुइयां बनाने के समय पे ही आपको पता चल जाएगा। हथेलियों की मदद से आप उसे अच्छी तरह से हथेली में फिरा के उसको दबा के उसकी लुइयां तैयार करें। एक भी अगर क्रैक ना आए तो समझिए आपका आटा परफेक्ट है। अब उसी समय मैंने ये रोटी मेकर को गर्म करने के लिए रख दिया था। रोटी मेकर अगर आपके पास नहीं है तो खाखरा मेकर में भी कर सकते हो, और दोनों नहीं है तो आप उसको बेल के भी बना सकते हो। अब रोटी मेकर गर्म हो चुका है तो थोड़ा सा पानी डाल के साफ़ कपड़े से ऊपर की सतह जो है, ऊपर का जो तवा है उसको हम लोग साफ़ करेंगे ताकि हमारी पूरियां जो है वो चिपके नहीं। रोटी मेकर एक बार अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर स्विच ऑफ कर देना है। अब एक लुइया उसके ऊपर रख के उसको अच्छे से प्रेस करेंगे और एक पूरी तैयार करेंगे। आप देख सकते हो सिर्फ 5 से 6 सेकंड में ही हमारी एक पूरी तैयार हो जाती है। वैसे ही हम लोग पूरियां बना लेंगे। यहाँ पे सारी पूरियां एक साथ नहीं बेलनी है, सिर्फ 8 से 10 पूरियां हमको तैयार करनी है। और ये पूरियां बनाने के समय पे मैंने तेल को ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया है। मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि एक साथ में सारी पूरियां ऐसे ना बेले, नहीं तो वो सूख जाएंगी तो फूलेगी नहीं। और पूरी जो है वो पतली बेलनी है, मोटी नहीं बेलनी है। अब यहाँ पे तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था तो वो अच्छे से गरम हो चुका है कि नहीं वो हम लोग चेक करेंगे। तेल अच्छे से गरम हो चुका है तो उसमें एक एक करके हम लोग पूरी ऐड करेंगे। जब भी पूरी ऐड करें तब गैस की फ्लेम हाई रखें, अगर हाई फ्लेम नहीं रहेंगी तो पूरियाँ अच्छे से फूल नहीं पाएंगी। तो पूरी डालने के समय गैस की फ्लेम हाई रखनी है। जब सारी पूरी हम लोग तेल में डालें उसके बाद गैस की फ्लेम मीडियम करें और उसको डीप फ्राई करें। कंटिन्यूसली उसको ऊपर नीचे करके हिलाते रहें ताकि पूरी जो है वो हमारी जले नहीं, अच्छे से उसका दोनों साइड अच्छे से ब्राउन कलर आ जाए। ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करनी है, हल्की गुलाबी रंग की हमको उसको तलनी है। आप देख सकते हो मेरे जो गोलगप्पे या पानी पूरी की पूरी है वो बहुत अच्छी तरह से फूल रही है। अब यहाँ पे हम लोग दो जन मिल के पूरियाँ बना रहे हैं। अगर आप अकेले हो तो एक पूरी का अगर लोट हो जाए तो गैस की फ्लेम धीमी करें और फिर दूसरी बैच जो है पूरियों बेलने की वो तैयार करें। ये देखिए पूरियाँ बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब उसको एक जाली वाले बर्तन में निकाले ताकि उसमें से एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। और उसी तरह हम लोग दूसरा बैच भी तैयार करेंगे। आप देख सकते हो पूरी जो है हमारी बहुत अच्छी तरह से फूल रही है। पूरियों को एक एक करके डालें और कड़छी की मदद से उसको प्रेस करें ताकि वो तुरंत फूल जाएगी। तो है ना एकदम फटाफट झटपट बनने वाली पानी पूरी की पूरी की रेसिपी। ये पूरियां बनाने के लिए आपको 3 टिप्स जो है वो याद रखनी है। एक तो आटा प्रॉपर गूंदना है, फिर उसको बेलना है प्रॉपर, उसकी लुइयां भी प्रॉपर तैयार करनी है, और गैस की आंच पूरी डालने के समय पे फास्ट और तलने के समय पे स्लो रखनी है। तो देखिए दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की मेरी पानी पूरी की रेसिपी आप सबको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। गोलगप्पे और पानी पूरी की पूरी तो मैंने सिखा दी, मगर उसका पानी और उसकी मीठी चटनी कैसे तैयार करते हैं उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूँगी, आप ज़रूर चेक करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मेरी नम्र विनंती है कि कोरोना से बचने के लिए आप घर में ही रहे, स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे, घर में ही बनाए और घर का खाना ही खाए। फिर मिलती हूँ ऐसी ही नई और क्विक इजी रेसिपी लेकर। तब तक हैप्पी कुकिंग फ्रॉम मम्मास किचन।